नमस्ते दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने, आपका गार्डनिंग दोस्त रवि भारद्वाज। आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे गार्डनिंग चैनल यूट्यूब पर जुगाड़ गार्डन में। मौसम बदलने से फिजाएं बदल जाती हैं, मन डोल जाता है और धरती का सीना चीर कर हम सब कुछ पा जाना चाहते हैं, पर धरती के सीने पर पर्यावरण का मरहम लगाने में कदम पीछे खींच लेते हैं, जो एकदम बेमानी है। तो अपनी पर्यावरणीय सभ्यता को हमें मजबूत बनाना होगा और हमको प्रकृति को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। आज इसी के तहत मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे सुंदर खूबसूरत पौधे की, जिसे आप भी देखकर, आप उसको पाकर, आप उससे अगर घर में लाएंगे, अपने गार्डन में लाएंगे, बेहद खुश हो जाएंगे। देखिए, ये मेरा हमेलिया का पौधा है और ये मेरा बैरिकेटेड है। हमेलिया में ग्रीन पत्ते भी आते हैं, लेकिन ये जैसे और बैरिकेटेड होते हैं ना, जैसे हरा बीच में है और ये इधर पीला पीला सा है, ये बहुत सुंदर होता है। फूल तो इसके सुंदर होते ही होते हैं, लेकिन साथ में इसकी पत्तियाँ भी गार्डन को बहुत अच्छा लुक देती हैं और हमको भी खूबसूरत लगती हैं। गुच्छे में फूल आते हैं इसके लाल लाल रंग के। इसको हम फायर बुश भी कहते हैं, फायर क्रैकर भी कहते हैं, और ये हमिंग बर्ड को अट्रैक्ट करती है। अगर आपको अपने गार्डन में हमिंग बर्ड बुलाना है या उसको देखना है, तो आप हमेलिया का पौधा ले आइए, आपके गार्डन में हमिंग बर्ड घूमने लगेगी। बहुत आसान होता है इसे लगाना, बीज से लगा लो, कटिंग से लगा लो, और बरसा ऋतु तो इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। तेज़ धूप, तेज़ सर्दी, दोनों मौसम सहन कर लेता है ये प्लांट। ऑरेंज कलर के जो इसके फूल होते हैं वो बड़े गुच्छे में निकलते हैं, और इसकी सस्ती, बहुत सस्ती प्राइस होती है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। इसको लोग हैज के रूप में भी लगाते हैं, और छोटे से गमले में अपन अगर प्रूनिंग करते रहें तो पेड़ ट्री का भी रूप धारण कर लेता है, छोटे वाले का। आपके गार्डन में अगर जैसे आप सब्जियां वगैरह उगाते हैं तो आपको पॉलिनेटर की जरूरत होती है, तो ये पौधा पॉलिनेटर का काम करता है अट्रैक्ट करने वालों का, जिससे कि आपके फ्रूटिंग प्लांट या सब्जियों के लिए जो फूलों में पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है। और इसको एक्चुअल में क्या, थोड़ी खाद वाद ज़रा अच्छी देनी चाहिए ये, क्योंकि फूल बहुत गुच्छे में देता है तो इसको भोजन भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसको अभी तो आप लिक्विड खाद दीजिएगा, ज़्यादा वैसी नहीं सूखी खाद नहीं देने की जरूरत है। और हमेलिया का जो पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा तापमान में, बहुत ज़्यादा सर्दी में भी जिंदा रहने की क्षमता रखता है। बस इसकी बेल ड्रेन मट्टी होनी चाहिए जिससे पानी ना रुके, लेकिन पानी जरूर रोज इसको दो। अगर जैसे दो एक दिन पानी नहीं दिया तो इसकी पत्तियां थोड़ी सी मुरझा जाएंगी, लेकिन इसको पानी दीजिए। हार्डी प्लांट है, ठंडक के कुछ महीनों में बस ये एक आध दो महीने फूल कम देते हैं, बाकी तो ये हमेशा पूरे साल भर फूल देने वाला पौधा है। जब गुच्छे में इसके लाल लाल फूल आएंगे तो आपको मन निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएगा देखकर। और इसके जब फूल आते हैं तो उसके आसपास की पत्तियां कुछ आपको देखो रेडिश सी लगेंगी, लाल लाल सी हो जाती हैं। तो मेरी तो आपसे सलाह यही है कि बरसात शुरू हो चुकी है और आप बरसात में इस पौधे को किसी नर्सरी से ले आएं, या कहीं अपने किसी मित्र वगैरह के हैं तो उसको कटिंग से लगा लें। आराम से 15-20 दिन के अंदर आपकी कटिंग इसमें चल जाएगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो ये आप नर्सरी से लाके इसके फूल का, इसके फूलों का आनंद ले सकते हैं। कैसी लगी मेरी जानकारी, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी, नए पौधे को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।